Good morning, everyone. So we both, Charu ma'am and is there with me. So, हमारा आज का टॉपिक है ऐसे राइटिंग का बेसिक। पिछली बार हमने प्रीवियस राइटर्स क्लब में हम लोगों ने आपको पैराग्राफ राइटिंग का बेसिक्स बताया था और इस बार हम आपको गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग मैम और इस बार हम आपको क्या सिखा रहे हैं ऐसे राइटिंग का बेसिक्स। ठीक है अनंत, तुमने अपना ऑनलाइन वाला जो टॉपिक है वो मुझे दिया नहीं है। जिया, तुम्हारा भी ऑनलाइन वाला जो टॉपिक है मैंने कहा था कल के आपके वर्क मेरे पास हम कर देंगे। हाँ, पर क्लास से पहले हमें पिछला वर्क पता होना चाहिए। यस मैम। नहीं तो उसकी फोटो अभी तक आ जानी चाहिए थी ग्रुप पे। ग्रुप पे पोस्ट मैम भेज देंगे। You can post your works on the group because दूसरे बच्चों को भी वो ताकि पता चल जाए। Yes ma'am। ठीक है, अभी इस क्लास के बाद कर देना। Yes ma'am। और ऐसे राइटिंग है तो ऐसे पैराग्राफ के कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे क्या होता yes, है ma'am। निबंध, हिंदी में हम निबंध बोलते हैं उसको, और उसमें तीन पैराग्राफ या तीन से ज्यादा पैराग्राफ आते हैं, 200 वर्ड्स, और ये एक लॉन्ग पैसेज जैसा होता है। ठीक है। यस मैम। भी एक टॉपिक पे तो ये हम तो कोई भी एक बड़ा कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन देना है किसी एक इम्पोर्टेंट इशू के बारे में या इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में तो हम ऐसे लिखते हैं। मैम हम ये दे सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। Importance of games and sports, हाँ इस तरह के topics हम ले सकते हैं इसमें। We can take that topic. And but I am introducing you that what are the main components of essay, right? ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया कि it is a group of paragraphs made by combination of paragraphs, 3 or 4 paragraphs. And इसके अंदर भी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं, लॉन्ग पैसेज बनाते हैं, तो वो हमारा ऐसे बनता है। ठीक है मैम। जिया, आर यू एबल टू लिसन टू मी? आई एम ऑडिबल? यस मैम। ओके, सो फर्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ में जैसे आपने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन देना है वैसे ही ऐसे में भी फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन ही होता है। जैसे टॉपिक हो, आपने जो बताया है गेम्स एंड स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस, तो आप फर्स्ट पैराग्राफ में इम्पोर्टेंस ही देते हो, आप मीनिंग बताते हो गेम्स और स्पोर्ट्स क्या होते हैं। ठीक है। यस मैम। और ये हेल्थ के लिए कैसे जरूरी है बहुत ज्यादा, तो इंट्रोडक्शन में आप यही दोगे। बट इंट्रोडक्शन से अच्छा बनाने के लिए आप किसी कोटेशन से शुरू करोगे ताकि वो रीडर का माइंड अट्रैक्ट करे, कोई थॉट आप रखते हो। हाँ मैम, जैसे हमने मैम इसे एक्सक्लूसिव बनाने के लिए मैम इसमें कुछ पिक्चर्स भी बना सकते हैं। पिक्चर्स वैसे इसमें अलाउड भी नहीं होती, ऐसे कोटेशंस वगैरह या किसी के वर्ड्स होते हैं, मेन थॉट्स होते हैं,
उनके थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अच्छे तरीके से. इसमें पिक्चर्स नहीं होती, ये ऐसे होता है. आप हिंदी में और इंग्लिश में ऐसे लिखते हो ना, हिंदी के पेपर में आता है निबंध लिखने को, तो निबंध लिखने में तो हम सिर्फ सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में उसकी भूमिका ही लिखते हैं. पूरे निबंध की जो आपकी इंट्रोडक्शन होगा या उसका पूरा आप आगे क्या क्या बताओगे उसके अंदर, उसका पूरा एक लिख दोगे आप डिस्क्रिप्शन, क्या बॉडी में क्या बताने वाले हो, कंक्लूजन में आप क्या बताने वाले हो, उसकी तीन तीन चार चार लाइन उठाकर आप इंट्रोडक्शन में लिखते हो. इसे भी आपको पहले रफ में लिखना पड़ेगा, रफली, फिर आपको इसको फेयर करना पड़ेगा ताकि मिस्टेक्स कम हो. ठीक है, तो सेकेंडली जब आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो मेन बॉडी आएगी और उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि आपका टॉपिक स्पोर्ट्स पे है, तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बता सकते हो कि कौन से स्पोर्ट्स से कौन सा बेनिफिट होता है, कौन सा स्पोर्ट आपकी फिजिकल फिटनेस को टारगेट करता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, आप बताइए मैम थोड़ा कंक्लूजन के बारे में. इंट्रोडक्शन हो गया मेन हमारा, फिर हमारा मेन जो हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम उसके बारे में लिखना स्टार्ट. तो पहले मेनली हम मेन मेन पॉइंट्स को उधर लिख देंगे एक पैराग्राफ में और फिर हम चाहें तो उसको डिफाइन कर सकते हैं. इन द नेक्स्ट मेन पैराग्राफ्स में उनको डिफाइन कर सकते हैं. फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ आ जाएगा कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसको करने से क्या क्या होता है, इफेक्ट्स क्या है, तो वो सारी चीजें आ जाएगी. पॉल्यूशन टॉपिक है हमारा, इंट्रोडक्शन उसका, सॉरी स्पोर्ट्स का है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन है. ऐसे तो हम किसी भी चीज पर, किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं. तो मेन वही है, पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर हम उसका मेन पैराग्राफ आएगा. मेन पैराग्राफ में हम उसमें जितने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, कॉजेज हैं, बेनिफिट कॉजेज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. अगर हम ऐसे बात करें कि इम्पोर्टेंस ऑफ, ये कह सकते हैं साइंस के बेनिफिट्स क्या है, तो साइंस से क्या क्या है, कैसे कैसे बेनिफिटेड है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है. अगर डिसएडवांटेज टॉपिक फिलॉसफी पर भी हो सकता है, मैम टॉपिक फिलॉसफी पर भी हो सकता है. ऑनेस्टी मैम, यस पॉलिसी, ऐसे टॉपिक तो पहले के बारे में बताएंगे हम, फिर उसके एग्जांपल्स दे सकते हैं, कोटेशंस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स वी कैन ऐड रिलेटेड टू द टॉपिक. मोर पॉइंट्स वी हैव टू ऐड इन द एसे राइटिंग. यस मैम, तो मेन यही रहता है हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ में, वही रहता है कि हमें इनके लिए जो हम कर रहे हैं, जो हमने मेन पैराग्राफ में लिखा है, उसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं और उसके लिए हम आपके सजेशन क्या क्या कर सकते हैं, है ना. कंक्लूजन में आप उसका पूरा का पूरा एकदम से कह सकते हैं आउटकम क्या है, आउटकम क्या है वो आप उसमें बताते हैं कंक्लूजन में, ताकि जो रीडर है उसे गेनिंग पता चले पैराग्राफ में हमने इतना सब किया तो उसका क्या इम्पोर्टेंट, मतलब क्या उसका बेनिफिट बेनिफिट हुआ, वो सब आप. अच्छा, तो आप लोगों ने वैसे अपने क्लासेस में भी एग्जाम में, जैसे मैं बोल रही थी, ऐसे लिखे होंगे. हिंदी में तो मस्ट ही है. तो लॉन्ग फॉर्म में कोई भी कॉम्पोजिशन हम कर रहे हैं, जो एक्सटेंडेड है, लेंथी कॉम्पोजिशन हमने करी है कुछ, तो वही आपकी क्या होती है, ऐसे ऐसे. Clear? Yes, ma'am. Clear. ठीक है, तो आप कोई जिया, आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहेंगी, क्योंकि हम कोई एक टॉपिक देंगे आपको ऐसे लिखने के लिए, एक या दो टॉपिक खुद में से आप लिख सकते हो किसी एक टॉपिक पे ऐसे. अनंत ने अपना टॉपिक बताया कि स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स का इम्पोर्टेंस, और एक और बताया ऑनेस्टी. जी हाँ, आप भी कोई भी टॉपिक बताइए जो आपके मन में है कि हाँ इस पे ऐसे लिखा जा सकता है. हमें इम्पोर्टेंट ऑफ क्लोथ, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ, और
ऐसे सुनाई नहीं दे रहा बेटा, तेज बोलो थोड़ा सा। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ्स कपड़े। यस मैम। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ्स ऐसे नहीं होता, पर ऐसे बना सकते हो इसको कि आपकी इंडिया कंट्री में डिफरेंट कल्चर्स की वो है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी उस पे हो सकता। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी टॉपिक हो सकता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपकी बुक में भी है शायद, किस सिविक्स के चैप्टर मैम? यस मैम, हमारे सिविक्स, मैम हमारे सिविक्स की बुक में है। वो टॉपिक आप ले सकते हो, उसमें क्लोथ्स भी आ जाएंगे, उसमें फूड आ जाता है, कल्चर आ जाता है, सॉन्ग्स डांस आ जाते हैं। ऐसे टॉपिक लेते हैं जो हम रिलेटेड होते हैं। यस मैम। फोकल पॉइंट्स को कवर अप कर सकते हैं, जैसे एनवायरमेंटल का ले सकते हैं कोई भी टॉपिक। यस मैम। एक टॉपिक तो हम वैसे कर सकते हैं, टेररिज्म के ऊपर, टेररिज्म क्या है के ऊपर भी टॉपिक बहुत, इससे क्या है हमारे पास वैरायटी आ जाती है इस टाइप के टॉपिक से बेटा। वी हैव द वैरायटी टू राइट, कि हमारा हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, तभी तो आप अगर आप एक्सप्लोर करोगे, ज्यादा चीजें देखोगे, ज्यादा चीजें लिखोगे, तभी आप सीखोगे सीखोगे। अभी एक दो बच्चों ने अपना पैराग्राफ शेयर किया है, वो उतनी ही लाइन का पैराग्राफ है जितना उस दिन उन्होंने करेक्ट कराया था, उसमें कुछ भी एड ऑन नहीं किया, और पूरे 7 days खत्म हो चुके। तो इसका मतलब हम जितना काम करवाते हैं क्लास में उतना ही हमें मिल रहा है, आप उसके ऊपर कोई वर्क कर नहीं रहे हो। मुझे क्या था कि उसमें थोड़ा सा 3-4 लाइन एटलीस्ट 5 lines हम उसमें और ऐड करो, ऐड मोर लाइन, ठीक है? आपने जो लर्निंग करी उससे आपने होमवर्क है, वो तो होमवर्क में आपको उसमें ऐड करना है, अपने माइंड से लिखना है आपको, आप क्या लिख रहे हो। चल आप उसको फ्रेमिंग गलत कर रहे हो, नो इश्यू अबाउट दैट, बट यू हैव टू ऐड मोर एंड मोर थिंग्स फ्रॉम योरसेल्फ, तभी आप लिखना सीखोगे। अगर आप लिखना सीख रहे हो और बस छोटा सा ही लिख रहे हो तो उससे क्या सीखोगे? थोड़ा कम कर रहे हो अपनी स्ट्रेंथ को आप, है ना? आपको ज्यादा ज्यादा लिखने की कोशिश करनी है। चाहे आप शुरुआत में अपनी बुक से, जैसे अगर हम डाइवर्सिटी एक टॉपिक लेते हैं, आप अपनी सिविक्स की बुक से आइडिया लेके लिख सकते हो। जब हमें ऐसे लिखना होता था जब हम छोटे थे, तो हमें हमारी मैम डिफरेंट तरह के ऐसे इसकी टॉपिक देती थी, और हमें जैसे टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक दिया था हिंदी में, समय नियोजन, तो हम उसमें अपने थॉट्स को लिखते ही थे, और किसी बुक में हम ढूंढते थे, हिंदी ग्रामर की बुक में हमें ये टॉपिक कहीं किसी भी अदर टॉपिक के फॉर्म में मिल जाता था, जैसे कि किसी भी और के, जैसे अनुशासन में हमें समय का मिल जाता था, किसी और टॉपिक में हमें अपना टॉपिक मिल जाता था, उसमें से हम थोड़ी सी लाइन्स उठाते थे और अपने निबंध में लिख देते थे, अपनी वर्ड्स में उसे चेंज करके। इससे क्या हो रहा है, एक्सप्लोरेशन हो रहा है, आप चाहे किसी भी सोर्स से यूज कर रहे हो, आप अब तो इंटरनेट है, पहले कहाँ थे इंटरनेट, तब हम बुक्स में ही देखते थे, लेकिन अगर आप इंटरनेट से भी उसको क्या है डाटा गैदर भी कर रहे हो, अगर आप उसको अपनी नोटबुक में मेंशन करोगे तो आप पढ़ रहे हो ना, कुछ तो आपके माइंड में सेटअप हो रहा है, इसलिए आपको कुछ सर्च तो करना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आपने देख के लिख लिया तो कुछ तो हुआ, आपने एक्सप्लोर किया, सर्च किया, और किया, हम पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ा हमने, हमने पढ़ लिया थोड़ा माइंड में गया, फिर हम उसको कॉपी करके लिख रहे हैं, तो सेकंड टाइम हमारे माइंड में गई वो चीज, फिर हम उसको एक और बार रीड आउट करेंगे, थर्ड टाइम चलेंगे, तो कहीं ना कहीं दिमाग में सेट होती है ना। तो हमारे हमारी यही लर्निंग है, यही गेमिंग है, हम 3-4 बुक्स से कुछ कुछ फ्रेमिंग, कुछ अच्छे पॉइंट उठा सकते हैं, उनको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके अपने पैराग्राफ्स में डाल सकते हैं ऐसे, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? आप इंग्लिश ग्रामर की बुक्स एक्सप्लोर कर सकते हो, हिंदी की भी बुक्स एक्सप्लोर कर सकते हो, वही टॉपिक आप हिंदी में पढ़ो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, अगर आप इंग्लिश में ऐसे लिख रहे हो, उसी चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दो, ठीक है? आपको कम से कम आपको एक प्री फॉर्म्ड, एक करेक्ट फ्रेमिंग तो मिल जाएगी, एक अच्छे वर्ड्स और अच्छी लाइंस तो मिल जाएंगी आपको, फिर आप एक बार उसको पढ़ो अच्छे से, लर्न करो, समझ में आ जाए, और अच्छे से हो जाए। ऐसे ही आप लिखना सीखते हो बेटा, जब आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होती है, आपने कई सारे सोर्सेज से बहुत सारी चीजें पढ़ी, कई लोगों को आपने सुना, तभी आपके माइंड में वो खुद राइटिंग की स्किल आती है, ठीक है? ऐसे बोला जाता है या ऐसे लिखा जाता है, दूसरे लोग ऐसे लिखते हैं अच्छे अच्छे चीजों को, तो हम भी इस तरह से ही लिखेंगे, ये पॉइंट्स इस तरह से लिखने में अच्छे रहेंगे,
तो ये है आपका ऐसे का गेम, ठीक है। आप जिस भी टॉपिक पे लिखोगे आप ऐसे ही सर्च कर करके थोड़ा लिखोगे। क्या सर्च करते हैं, हमको बहुत सी नई नई चीजें मिलती हैं जो हमको नहीं पता होती, हम उनको ढूंढते हैं, हमको पढ़ते हैं, तो क्या है हमारे नॉलेज बढ़ती है, जनरल नॉलेज बढ़ती है, जीके अच्छी होती है हमारी। ठीक है, तो यू हैव टू वर्क ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज गिवन टू यू, यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट। अगर आपकी कोई आप लैंग्वेज फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है दैट देयर इज नो इशू, लेकिन अगर आपके पास मैटर तो मैटर होना चाहिए। आप अपना लिखो और हाँ अच्छे से लिखना पैराग्राफ, एक पूरा फुल कह सकते हैं 3 पैराग्राफ एटलीस्ट उसमें आने चाहिए ऐसे में। 3 पैराग्राफ आर मस्ट। और आपके दो ही टॉपिक हम ले लेते हैं, आपके दो टॉपिक हैं इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ और दूसरा आपका कल्चर डाइवर्सिटी से ही ले रहे हैं कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। आप इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। हाँ बेटा बोलो। नहीं सुनाई नहीं दे रहा बेटा, माइक के पास बोलो आप थोड़ा। मैम जो हमने ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर लिखा था ऐसे मैम बोलने 83 वर्ड्स का, नहीं क्लियर हो रहा बेटा, ऑडिबल नहीं है, क्लियर नहीं आ रही वॉइस आपकी। माइक को आप अपने पास रखो ऐसे करके, फिर बोलो, माइक को बिल्कुल पास रख के बोलो। मैम जो ऐसे लिखा था सैटरडे में ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर मैम बोलने 83 वर्ड्स का लिखा था। हाँ जो आपने पैराग्राफ लिखा था और ऑनलाइन एजुकेशन पे वो ठीक है, आपने 50 वर्ड्स का लिखा था, बट फिर भी उसमें आपने 2-3 लाइंस और बढ़ाकर उसको हमें देना है, ठीक है। उसकी लाइंस यू हैव टू ऐड इट सो दैट के वो क्लास वर्क ना रह जाए, वो थोड़ा बहुत होमवर्क भी उसमें इंक्लूड हो जाए आपका, नहीं खुद से भी कुछ। और वो जो हमारे कीवर्ड्स हैं 10 वो पूरे कवर अप हो जाए ताकि उसमें, क्योंकि कीवर्ड्स हमने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए थे, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई आपको लग रहा है कि हमारा कोई कीवर्ड अभी मिसिंग है तो उसके ऊपर आप सेंटेंस बना लेना और उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। और अब आप क्या करोगे, दो टॉपिक्स आपको दिए हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स और इंडिया इज अ कल्चरल डाइवर्स कंट्री और इंडिया इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऐसे भी बोल सकते हो कि इंडिया एक यूनिटी है, डाइवर्सिटी है हमारे देश में पर उसमें यूनिटी है, सब मिलकर फिर भी एक ही देश की तरह से रहते हैं। हाँ बोलो। मैम इन दोनों टॉपिक्स पर लिखना है ऐसे, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक एक चुनना है, चूज, यू कैन चूज एनीवन एंड यू कैन राइट, ठीक है। और फोटो क्लिक करके हमको भेजना या राइटर्स ग्रुप पे आप भी पोस्ट कर सकते हो, ग्रुप पे पोस्ट कर दो, आप उसमें पोस्ट कर सकते हो चीजें। तो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड द क्लास हियर। जी हाँ कोई क्वेश्चन है आपका, अनंत आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, ठीक है। जी हाँ एनी क्वेश्चन यू आर हैविंग, कोई और मैम हम कोई और टॉपिक भी ले सकते हैं ना, यही दो हैं बेटा जो मैम ने बताए बेटा, वो दोनों टॉपिक दोनों ही बहुत अच्छे हैं, आप उसमें बहुत कुछ लिख सकते हो, इसीलिए मैम ने जो बताया उन्हीं में से किसी एक टॉपिक पर लिखना। ओके ओके मैम, ठीक है। आप सिविक्स की बुक में भी इसको देख सकते हो और आप इसे इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, और ये टॉपिक अच्छा है, इसके ऊपर पोस्टर भी बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर काफी, और इस पे लिखा भी जा सकता है अच्छा, इंडिया के ऊपर कल्चर डाइवर्स कंट्री, और दोनों ही टॉपिक हेल्थ और स्पोर्ट्स वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पर भी लिखा जा सकता है। अभी योगा डे आ रहा है जून में आएगा 21 जून को तो उसके लिए उसी रिलेशन में लिख सकते हो, योगा आपके स्पोर्ट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं योगा के थ्रू, व्हाट आर द पोस्चर्स, ये सब चीजें अभी मेंशन। आप अभी अभी वो स्वामी शिवानंद को पद्मश्री मिला है उसके लिए, है ना, अवार्ड मिला है, एक योगा के गुरु है वो उनको, तो इस तरह की थोड़ी जनरल करंट अफेयर्स की चीजें आप उसमें डाल सकते हो अपने उसमें। और कल्चरल डाइवर्स कंट्री के लिए आप
अपने इंडिया में नेशनल पार्क्स हैं इतने सारे, और हमारे इंडिया में कौन से किसी किसी कपड़े को वो मिलता है GI टैग। GI टैग मतलब ये एक हमारी खुद की ओरिजिनल चीज है, वो कहीं और देश किसी और देश में नहीं मिलती, और ये हमारे इंडिया में ही मिलती है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है वो हमारे। और फिर ये भी ना यूनिक डाइवर्सिटी में तो ये भी आ सकता है कि डाइवर्स कल्चर, हर एक स्टेट का अपना कल्चर है, फूड सिस्टम अलग है, लिविंग सेंस अलग है, ड्रेसिंग स्टाइल अलग है, लेकिन फिर भी वी आर इंडियंस, लेकिन फिर भी हम इंडियंस हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर यूनिटी है। तो डाइवर्सिटी, यूनिटी डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि चाहे हमारा डाइवर्स कल्चर है, सारी लैंग्वेजेस अलग है, हर एक स्टेट की बोली अलग है, लैंग्वेज अलग है, फिर भी हम एक हैं। तो ये आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा है, हम बहुत सारी चीजें इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, हम हमेशा अपने रिपब्लिक डे और नेशनल डे को एक साथ मिलकर मनाते हैं। आपने देखा है कि जब हमारा रेड फोर्ट पर जब हमारा रिपब्लिक डे और उस पर इंडिपेंडेंस डे पर होता है तो कितने सारे वो निकलते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो कितने हर एक स्टेट की अलग अलग परफॉर्मेंसेस होती हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि देखो इंडिया का कल्चर कितना ज्यादा डाइवर्स है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट अपने पैराग्राफ में उसमें ऐसे में डालोगी एड करके किस तरह से हम ये बताते हैं कि इंडिया डाइवर्स कंट्री होता है, फिर भी यूनिटी है उसमें, डाइवर्स कल्चर होने के बाद भी उसमें यूनिटी है। क्लियर? दोनों में से कोई एक टॉपिक चुनना है आपको, और यू हैव टू राइट, मैं इसको ग्रुप पे भी पोस्ट करूंगी आज के होमवर्क को, और कोशिश करो कि आप इसको खूब सारा इसमें लिखो ताकि अच्छा आप खुद सीखो, जब ज्यादा लिखोगे तभी ज्यादा सीखोगे, थोड़ा सा लिखकर आप नहीं सीख सकते। ठीक है, so now I will end the class. Yes ma'am. You can join your class, online classes आपकी चल रही होंगी, group पे कोई link आया है तो आप अपने first period अब join कर सकते हैं। ठीक है? Okay. Yes ma'am. Okay. Bye ma'am. Bye.